ईदगाह पुकड़को की बस ईदगाह से सवारियां लेकर 30-35 सवारियां लेकर धौलपुर के लिए चली थी। वह जैसे ही इटौरा के नज़दीक पहुंची तो गर्म होकर, भीषण गर्मी में गर्म होकर गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी के बंद होते ही सवारियों में अफरा तफरी मच गई। चालक प्रचालक ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए सवारियों को दूसरी गाड़ियों में शिफ्ट कर दिया और गाड़ी को स्टार्ट करने के हर संभव प्रयास करने लगे, परंतु गाड़ी चालू नहीं हो सकी। फिलहाल थाना मलपुरा के इटौरा चौराहे पर गाड़ी ग्वाली रोड पर खड़ी हुई है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रामजीत सिंह है। ये गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? जी सर, आगरा से धौलपुर के लिए जा रही थी सर। कितनी सवारियाँ थी इसमें? मेरे पास करीब 33-34 सवारी के समथिंग थी सर। पर क्या हुआ इसमें, ये कैसे खराब हो गए? जी सर, वहाँ से गाड़ी चली जब ईदगाह डिपो से तो यहाँ तक हम लेके आए, पर अचानक ये गर्म हो गई गाड़ी। उसको मेरे पास जो 34-35 सवारियाँ थी, मैंने उनको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया बिना परेशानी के होते हुए। अब सर इस गाड़ी को ठंडा किया जा रहा है, जैसे ये गाड़ी ठंडी होती है वैसे इसको वापस ईदगाह डिपो में लेके जाएंगे, इस पर काम कराएंगे। ये आगरा की बस है या धौलपुर की है?
नहीं सर, ये ईदगाह डिपो आगरा ही गाड़ी है सर। ईदगाह डिपो आगरा जी सर। आपको नजर न लगे, आपको अल्लाह ऐसी तरक्की देता रहे। बंद हुई है यार, हीट होके बंद हो गई। कुछ खामा खाए में यार परेशान हो रहा है, खामा खाए। अब रेटर पे आप पानी डाल देते कह रहा है, रेटर पे इतना का फर्क पड़ेगा। गाड़ी चालू हो तो जी है, चालू गाड़ी पे पानी डाल रहे हो तो अंदर तक वो खाता। अरे क्या हो गया भाई साहब, इसमें क्या हो गया, हमें मतलब गर्म होके बंद हो गई है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग?